वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज फिर से नई ब्लॉग्स लेकर आज हम सब जा रहे हैं क्या कहाँ जाएगा नानी तुम्हें बता गोलगप्पा खाने सबको पार्टी देगा थोड़ा सा। आप बहुत दिन से आप सबको ब्लॉग में नहीं देखा होगा स्ट्रीट फूड। इधर देखिए बेचारा को सब मार के इधर माथा फुला दिया, आप देख सकते हैं गौर से। देखिए बेचारा को फूल गया है। बहन कितना अच्छा तुम्हें तेल लगा थी ना। रिया तुम बताओ मेकअप हो गया तुम्हारा? मेकअप। और तुम बताओ क्या से जाएगा? साइकिल से? साइकिल से। ये साइकिल से जाएगा, पीछे से पकड़े रहेगा। हम सब पीछे से पकड़ेंगे, इसको चलाने नहीं आता है। देखते हैं सब पकड़े। हाँ क्या करेगा तुम? बैठा रहेंगे। ठीक है थोड़ा नाच के दिखा दो। चलो अच्छा है, बेबी को बैठा है। आप सब से मिलते थोड़ी देर में। गाइस आज बहुत दिन के बाद स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं हम लोग सब। आज प्रियांशु भी मेरे साथ आया है, सब गौरव भी दे रहा हम लोग को पार्टी आज। अब मौसी और मामी पीछे है, ये लोग आगे जा रहा है, तो मिलते हैं गाइस खाने। देख सकते हैं कितना आदमी जा रहा है सब पीछे से। जिसका खर्चा आज होगा उसका हालत खराब हो जाएगा। उमेश जी तुम्हारा क्या रुपया लिए हम? बदलेंगे ना। कितना? 250। मिष्टी का 250 रुपया ले लिए। बाप रे बाप, मिष्टी के तो हार्ट पे लगे थे, हम रोने लगे। उसका मम्मी का पर्स लिए तो इतना रोने लगे, पहली बार ऐसा बेटी देखे हैं कि रोना चालू कर दी है। आज तक मेरे परिवार में कोई नहीं था इतना बड़ा। रिया हो गई, नंदनी हो गई, पैसा कितनो ले नहीं रोती है। पीछे देखिए, पीछे दोनों चुगली करते आ रही है, अपना बड़की खो जाए के चुगली करते आ रही है दोनों के दोनों। ठीक है आप सबसे मिलते थोड़ी देर में। नंदनी रील्स बना रही है उधर। कौन सा रील्स है नंदनी? नंदनी अभी तो बात नहीं करेगी, इंस्टाग्राम रील्स बना रही होगी उसका, पता नहीं। मिस्टी क्या क्या खाओगी? पानी। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा है तो लिया। आदि तुम क्या कर, तुम क्या करेगा? वाह नंदनी रील्स बना तुम्हारा। नंदनी रील्स बन गया तुम्हारा? हाँ, तो मौसी लिट्टी ले लिया, दो गो सिंगारा और सब्जी। इधर नंदनी खा रही है। आओ लेना नंदनी, जाकर ले लो। इधर देखिए मिष्टी को, मिष्टी खा ली। नंदनी भी सीधा माँ कुछ लेगा नहीं लेगा। ठीक है जाओ नंदनी। एक सब दिक्कत करने लगी है, वो आ गई थी कोई लवारिस आदमी। क्या बोल दिया? देखिए नंदनी बोल रही है, ब्लॉग देखा हो? कोई भी देख रहा है उससे क्या मतलब है। मामी देखिए पीछे जा रही है। मामी मिठाई खाने को अच्छा लगा? मिठाई खाने मामी को अच्छा लगा, बेचारी को खाना नहीं है। सीता इसलिए मिठाई खाने की उनकी काट रही है। वो सब आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम सबका मंचूरियन का दुकान है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम सबका मंचूरियन है। और कुछ खाना है नंदनी? उसके बाद देखा जाए, पेट में अगर जगह रहता तो खाया जाएगा। इधर देखिए रिया क्या बोल रही है। क्या रिया कुछ बोलना चाह रही हो? चलिए मंचूरियन की दुकान देखिए अब बंद है, लगता है किस्मत ही फूटा हुआ है। मंचूरियन की दुकान बंद था, चलते हैं आगे, कुछ मिलता है तो खा लेंगे। आप सब खाना चाना भाजी क्या है शिवमिया? मामी इधर तक चना खा रहे हम सब। रिया लगता नहीं इसलिए नहीं खा रही है। ठीक है एक फोटो ले लेते हैं। सब पुच्छा पार्टी में लगा हुआ है, इधर देख दो पुच्छा पार्टी। मामी बेचारी देख रही है खाना, इधर रही है बेचारी खा सकते। तबियत खराब चल। मिर्ची अच्छा लग रहा है? मिर्ची और खाओगे? ये खाओ, लो मेरा हिस्सा ले लो, तुम अपना हिस्सा मत देना। तब तक हम वीडियो बना लेते हैं, हम खा के आप सबसे मिलते थोड़ी देर। पहले हम तो खा के आ चुके हैं। सीरम तुम क्या क्या खाया यार बताओ? ये पहले तो था हम समोसा, दूसरा में आता ना एक रसगुल्ला वो खाए, तीसरा में एक होता है क्या क्या बनाते हो भैया? इससे नहीं हो पाएगा नंदनी, ये पटिया यार तुम ही बताओ। रिया तुम ही बताओ। पहले समोसा खाए, इधर देख कर बोल सकते हो। वो चना वाला जो होता है वो साइड हो जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा बताते बताते। और फिर उसके क्या खाए? गोलगप्पा खाए, फिर उसके मोमो खाए। तो रिया तुमको चिकन मोमो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो पीछे देखिए सब आ रहे धीमे धीमे, हम सब थोड़ी फास्ट चलते हैं। अब अंधेरा हो गया, आप सबसे रूम पे मिलते हैं डायरेक्ट। चिकन मोमो खाया। ठीक है रूम पे जाके आप सबसे मिलते हैं। नंदनी के साथ एक ऐसा चीज हो गया कि किसी के साथ हुआ
होगा, पटना में वैक्सीन ही बुक की थी आर्यभट्ट कॉलेज में, बेचारी को इंजेक्शन भी नहीं ली है, वैक्सीनेशन भी नहीं लिया, फिर मैसेज आ गया यू आर वैक्सीनेटेड। और क्या आया था नंदनी, क्या दिक्कत है? 4 बज के 4 मिनट पर ये बेचारी सडनली देखी तो इसको तो दिमाग घूर गया कि हम तो लिए नहीं है अभी तक, तो अभी वही कॉलेज अभी ये कॉलेज में इसका कुछ एग्जाम चल रहा था इसलिए ले नहीं पाई, तो अभी तुरंत आई है कॉलेज से, तो जा रही है कॉलेज के जहाँ पे ये आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जा रहे हैं हम सब बोलने के लिए। तो अभी अगर हो जाता है तो इसको वैक्सीन दिलवा दिया जाएगा, तो इसका भी अभी बहुत दिन से ही बेचारी फॉर्म फिलअप कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, आज सडनली जा रही है लेने के लिए। यही यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, ये ना नहीं लॉ के लिए है ना, ये लॉ का यूनिवर्सिटी है, यही सब पर हम सबका वैक्सीनेशन था। देखिए ये बस में पुराना वाला था, ये जो हट चुका है अभी वो देखिए मेन गेट पे, इसको देखते हैं क्या होता है बेचारी को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या दिक्कत होता है। अब तो सकते हैं नंदनी कॉलेज में गई, हमको जाने नहीं दिया क्योंकि नहीं जाने दिया, हाफ पैंट पहन कर आए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया हाफ पैंट पे क्या दिक्कत था कि हमको अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन नंदनी अंदर गई तो क्या पता चला तो सारा स्टाफ चला गया था तो कल, लेकिन एक चीज पता चला कि बुक करने की जरूरत नहीं, अगर किसी को वैक्सीनेशन लेना है तो बुक करने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड लाइए 10 बजे और आर्यभट्ट कॉलेज में आकर ले सकते हैं। नंदनी भी कल आकर ले लेगी लेकिन देखते हैं, इसको अभी रूम पे जाके कंप्लेंट का नंबर होता है कोविड के लिए, कुछ से कंप्लेन करते हैं तो कुछ तो वहाँ से जरूर ही पता चलेगा, पर यहाँ तो अभी स्टाफ नहीं था इसके चलते पता नहीं चल पाया। देख सकते हैं आज नंदनी को फिर से लेकर आएगा सुई दिलाने के लिए, तो कितना अच्छा कॉलेज, नंदनी देखो कॉलेज कितना अच्छा, इसका कैंपस देखिए कितना अच्छा, पीछे बहुत ही बड़ा है, लॉ के लिए पढ़ाई यहाँ से होता है। तो देखते हैं नंदनी को सुई मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, सर्टिफिकेट तो कल मिल गया बिना सुई लिए हुए, देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है, आप सबको वेट करते, लेकिन कॉलेज बहुत ही अच्छा है, जाने वक्त एक फोटो जरूर लेंगे। लेकिन ये तो उलर आदमी है, हाथ हिलाने लगी पूरा, गुस्सा भी जाती थी डॉक्टर, लेकिन ले ली नंदनी सुई इंजेक्शन ले ली कोविशील्ड, नंदनी ले ली ना, और अब कब 3 महीने के बाद बुलाया है, कुछ तुरंत ही कर दिया, कोई दिक्कत ऐसा हुआ नहीं है, अब सब जब हम मिलते अपने।